कंक्लूजन मेरे यूजुअली छोटे होते थे, ठीक, क्योंकि फिर कंक्लूड करने को कुछ बचता ही नहीं था। इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ में, तो मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ जाकर देखूँ। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी शुरुआती स्तर पर अपनी बात कहूँ, लिखना क्या हाथ कांपने लगेगा। वे फॉरवर्ड मुझे लगता नहीं है कि बहुत नेसेसरी है, जानबूझकर मैं बताऊं कि नहीं तुम सुनो क्या वे फॉरवर्ड, अगर पूछा नहीं तो भाई वी टेलिंग वे फॉरवर्ड। आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको अगर हम एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, उससे एग्जामिनर को पता चलता है अच्छा ये बात है तो ये प्रूफ है उसका। हेलो सर, माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आई एम फ्रॉम यूपी प्रतापगढ़। सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू सर, प्रेम सर, कि सर जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं या हम किसी भी क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं आंसर लिखने के लिए, तो उसका टाइम फ्रेम और साइनेप्स कैसा होना चाहिए? I'm not getting कि साइनेप्स क्या है, means? साइनेप्स मीन सर जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, रूपरेखा जो आंसर की तैयार करते हैं वो किस बेस पे होनी चाहिए और टाइम फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, मतलब एक एस्पिरेंट के लिए अगर वो फ्रेशर है, अभी जस्ट वो फ्रेशर ये पूछ रही है इंट्रोडक्शन बेस्ड बॉडी, हां कितने टाइम लेना है एग्जैक्टली। मैं पर्सनल अपना बात करूंगा बिकॉज़ मुझे बहुत नहीं पता कि और लोग कैसे लिखते हैं एंड आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन सिस्टम, तो मुझे वो भी नहीं पता था, बट मैं आंसर लिखता था एंड फिर नोट से मैच करता था कि चलो ये कंटेंट है मैंने पुट कर दिया आंसर में, देन माय आंसर इज गुड, ठीक। बट जहाँ तक बात है टाइम मैनेजमेंट का, तो लाइक सबसे पहले ओवरऑल क्वेश्चन की टाइमिंग आपको डिसाइड करनी होती है कि जो 10 मार्कर्स है, तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि हर 10 मार्कर्स को 7 मिनट में करना है, नॉट बियॉन्ड दैट। या टाइम वॉच एग्जैक्टली, एक आंख तो रहता है घड़ी पर आपका, बिकॉज 2 मिनट भी अगर आप छोड़ते हो तो एक क्वेश्चन की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। तो हमेशा मेरा फोकस होता था कि मैं कम से कम 2 मिनट पहले पेपर को कंप्लीट कर लूँ एंड लकीली इथिक्स में मैंने ये काम किया है। इथिक्स में मैं 2 मिनट पहले लिख कर बैठ गया, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया A to Z, बट एग्जामिनर थॉट कि कोई क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा होगा तो छोड़ा होगा, उन्होंने आकर कॉपी पलटना चेक किया, अभी 2 मिनट बचे थे, दे टर्न आउट ऑल द पेजेस, सब कंप्लीट थे, देन ही गिव्स मी थम्स अप। तो ऐसा मुझे भी लग रहा था कि व्हाट ही इज थिंकिंग, मैं क्यों ही 2 मिनट पहले खत्म कर लिया, बिकॉज मैंने उसके पीछे बहुत काम किया था। When I was writing the PYQ, तो मेरा कभी अप्रोच नहीं रहता था कि एक क्वेश्चन लिखूं, 5 क्वेश्चन लिखूं, नहीं, अगर उठाना है 2019 का पेपर उठाया, 3 घंटे उठाए, पूरा का पूरा लिख डाला, कभी ये अप्रोच नहीं रहता था 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम में व्हाट आई हैव टू डू आई विल बी डूइंग दैट ओनली, भले उसमें टाइम लगे, भले उसमें गलतियां हो, तो गलतियां हॉलिस्टिकली मुझे पता चल रही है 3 घंटे के सेशन में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ना कि 20-25 मिनट के उसमें। या ऑब्वियसली एंड कमिंग टू जो 15 मार्कर्स हैं उनके लिए 9 मिनट्स फिर आपके बचेंगे, फिर भी आप देखोगे 90 and 70 समवेयर 10 मिनट्स आपके बच जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपका टाइम लग जाता है क्योंकि कुछ एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में 1-2 मिनट चला जाता है, तो हमेशा 10 मिनट्स का मार्जिन रहता था। कमिंग टू इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन, मुझे लगता था कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई हैव नो रूल कि इंट्रो बस 2 लाइन का होगा, कंक्लूजन 2 लाइन का होगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इंट्रो में ही बहुत खुश कर सकता हूँ एग्जामिनर को और वो 8 लाइन का जाए, आई विल डू डैट, ठीक। इंट्रो ही अगर बहुत अच्छा हो, अगर 7-8 लाइन का हो, तो उसमें क्या अर्ज है एग्जामिनर को, वो थोड़ी देखेगा कि एकदम। बट ऐसे का मेरा पैटर्न डिफरेंट है, आई विल टॉक अबाउट दैट ऐसे के लिए। तो इसलिए ऐसा कोई मेरा, इसलिए इंट्रो 3-4 लाइन तो मिनिमम होता था, बिकॉज मैं कभी भी इंट्रो में कीवर्ड का इंट्रो नहीं लिख रहा होता था, मैं पूरे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट का इंट्रो। किसी ने मुझे, मेरे एक सीनियर का बहुत रोल था, ही इज यूपीपीसीएस में 7th रैंक है उनका, डॉक्टर शशि शेखर, तो उनका आंसर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि इंट्रो में फॉर एग्जांपल अगर पूछ दिया कि कैसे इंडिया रसिया रिलेशन इवॉल्व हुआ है इन लास्ट 50 इयर्स, तो कभी भी इंडिया और रसिया की बातें मत करना, उसके रिलेशन की इवोल्यूशन की बात करना इंट्रो में, कि कब स्टार्ट हुआ था, फिर किस पीएम ने क्या किया, और फिर ग्रेजुअली 4 लाइन में आप एक बेसिक झलक दिखा दो कि यू आर टॉकिंग, यू हैव बेसिक नॉलेज कि कैसे इवॉल्व हुआ, फिर बॉडी में उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से कि ये इशूज भी आए, ऐसे ग्रेजुअली हुआ और अभी किस लेवल पे उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इस चीज में मेरे इंट्रो में टाइम जाते थे, तो अगर 7 मिनट है तो 2-3 मिनट तो जाता ही जाता होगा। Who checked your papers, sir, which you have done in 3 years? No one checked, like मैंने लिख दिया बस। Don't you have any mentor, sir? Almost no, क्योंकि no, because इसका रीजन था कि मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर किया था फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट वाज नॉट 10-15 पेजेज अप्रोच, कि अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ा तो 10-15 पेज में उसको पढ़ लिया बस, या फिर पॉलिटी पढ़ा तो 40 पेज में पढ़ लिया। मेरे खुद के नोट्स 250-250 पेजेज के हैं, ठीक। तो वाई आई शुड बी गोइंग टू अदर कंटेंट टू गेट माई कॉपी चेकड, ठीक। मैं अपने ही कंटेंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 केसेस रिलेवेंट है, अगर मैंने लिखते वक्त 2 केसेस लिखा तो वो सही लिखा या नहीं मैं तो अपने नोट से ही वेरीफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम का इस बार क्वेश्चन था कि फ्लूइड है या स्टैटिक है, और PYQs आर द बेस्ट गाइड, क्योंकि आप देख लो ना, भले ही फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले वो फिर पूछे कि कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल है क्या, फिर पूछे कि कास्ट सिस्टम रिजिड है क्या, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, स्टैटिक है, वर्ड चेंज हो रहे, क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, ठीक। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, या I'm saying the basic themes remain same as per the syllabus. So basic theme of the question is same for the most of the questions. तो जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम मैं अपने नोट्स में चार्ट बना लिया था कि जीएस घोरे का एक जीएस घोरे ने बताया था कि कास्ट के 6 एट्रीब्यूट्स है, और 6 एट्रीब्यूट्स में कौन सा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स है कि इंटरकास्ट मैरिज एक एट्रीब्यूट है, देन आफ्टर देयर इज आल्सो एट्रीब्यूट की ऑक्यूपेशनल हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होगा, उसके बाद म्यूचुअल रिपल्सन होगा। इन तरह के 6 एट्रीब्यूट्स हैं। अब सोसाइटी में कोई नहीं पढ़ता है, बट मैं बहुत सीरियसली हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था कि वो लगना चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बस ऑब्जर्व करके देख लिया कि हाँ जी कास्ट है, मेरे दोस्तों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको लिखाया। नो, एक स्कॉलर ने किस तरह से कास्ट को देखा है, क्या एट्रीब्यूट्स फाइंड किए हैं, तो उसको पढ़ा। फिर उसमें फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज मैंने एक टेबल ही बना दिया, उसमें 6 एट्रीब्यूट्स बाय जीएस घोरे, ठीक। देन कौन सा अर्बन रीजन में क्या है और रूरल रीजन में, फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज रूरल रीजन में अभी भी बहुत ज्यादा रिजिड है, नॉट स्टैटिक है, बट अर्बन रीजन में इट इज बिकमिंग फ्लूइड, ठीक। तो इस तरह से मैंने उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया एग्जामिनर को, और आप देखोगे मैंने इस क्वेश्चन को 3 बार लिख रखा है, सेम चीज लिखा है। तो फिर वहां पर वही प्रोड्यूस करना था, दिमाग लगाना ही नहीं था। तो जब दिमाग लगाना नहीं तो काफी समय बचता है आपके पास। हाँ, कंक्लूजन मेरे यूजुअली छोटे होते थे, ठीक, क्योंकि फिर कंक्लूड करने को कुछ बचता ही नहीं था। वे फॉरवर्ड मुझे लगता नहीं है कि बहुत नेसेसरी है, जानबूझकर मैं बताऊं कि नहीं तुम सुनो क्या वे फॉरवर्ड, अगर पूछा नहीं तो व्हाई आर वी टेलिंग वे फॉरवर्ड। हर कोचिंग का ये होता है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, मे बी मैं लिखता तो और 10 नंबर ज्यादा होते। दिस ईयर आई गॉट 109 मार्क्स इन GS1, हाइएस्ट इन ऑल इंडिया, ओके। बट मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिला है किसी को, तो फिर मैं ये क्यों मानूं कि मैं वे फॉरवर्ड लिखता तो और ज्यादा मार्क्स मिलता। व्हेन दे आर आस्किंग कि प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन, देन आई विल बी डेफिनेटली राइटिंग बेस्ट वे फॉरवर्ड। बट व्हेन दे आर नॉट आस्किंग, उन्होंने सिंपल पूछा है कि आप बता दो जी वेजिटेशन कैसे वेरी करता है इंडिया में, तो मैं क्या वे फॉरवर्ड लिखूं कि रिफॉरेस्टेशन करो, जबरदस्ती का रिफॉरेस्टेशन करके और फिर वेजिटेशन के वेरियंस को चेंज कर दो। आर दे आस्किंग दिस? तो नहीं, बिना मतलब का क्यों लिखूं मैं, क्यों नहीं उसी कंटेंट पे ज्यादा, उसके कंटेंट को अच्छा तरह से प्रेजेंट करने के लिए उस टाइम को यूज करूं। तो कंक्लूजन बहुत शॉर्ट होता था, 1-2 लाइन का। इंट्रो कभी कभी तो 7-8 लाइन्स के होते थे, और बॉडी में एग्जैक्टली जो पूछते थे, बट इनमें 7 मिनट एंड उधर 9-10 मिनट्स में 15 मार्क्स को मैं डील करता था। बट ऐसे मैंने बताया, ऐसे में बहुत सावधान था, बिकॉज ऐसे में फ्लो इज एवरीथिंग, ठीक। अगर आप एक टाइम पर एक थीम को छोड़कर दूसरे में नहीं पहुंच रहे हो तो आपका ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, वो बोरिंग लगेगा। तो मैं बांट लिया था, फॉर एग्जांपल 11 पेजेज मिलते हैं एक ऐसे को लेकर यूपीएससी में, तो मैंने बांट लिया था कि चलो 11 पेजेज है, तो पहला 1.5 पेज ठीक इंट्रो के लिए, लास्ट के 1.5 पेज कंक्लूजन के लिए, 3 पेज चले गए, बचे 8 पेज। मैं जो एग्जैक्ट डिमांड है ऐसे का उसको 4 आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड करूंगा और सबको 2-2 पेजेस दूंगा, तो जस्टिफाई होते चलेगा। तो इसमें मैं बहुत कैलकुलेटिव था ऐसे को लेकर। एक बात इसमें ऐड ऑन की सर ने, एस्पिरेंट्स को पढ़ाने में एक चीज़ तो होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो छोड़ते चलते हैं आजकल। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट एक ऐसा प्राणी है जिसके पीछे झाड़ू लगा होता है, वो आगे बढ़ता है पीछे गायब हो जाता है। बताता हूँ कैसे। टेंथ में होते हैं तो कहते हैं इतनी पढ़ाई एट्थ में की होती बहुत नंबर आते हैं। ट्वेल्थ में होते हैं तो कहते हैं इतनी पढ़ाई अगर टेंथ में की होती तो मैंने यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड है टॉप कर दिया होता। ट्वेल्थ के आगे ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं, जितनी पढ़ाई मैं अब कर रहा हूँ इतनी मैंने ट्वेल्थ में की होती तो मैं मेरिट में होता। और जब ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी में आता तो बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इतनी पढ़ाई अगर ग्रेजुएशन में की होती तो इस तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती। समस्या वही है। देखिए अभी सर ने दो बातें बताई, उन्होंने थ्रू प्रैक्टिस इसको गेन किया है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, अगर आप में इतना कैलिबर है कि आप खुद से चीजें कर सकते हो तो आपको रास्ता खुद दिखा रही है हर संस्था। सर ने भी बताया, क्लियरिफाई किया हुआ है, यही चाहिए, जरूरत नहीं है कंक्लूजन मत लिखिए। जितना, चूंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ कई वर्षों से, तो मैं देखता हूँ जो मॉडल आंसर लिखे जाते हैं उसमें वे फॉरवर्ड होता ही होता है, ठीक है। और कई बार मुझे लगता है कि अगर, जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ पर्सनली, तो साइंस में वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं लेकिन वो किस तरफ जाएगा साइंस को खुद भी नहीं पता, क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशन है। देखिए सिंपल सी बात है, साइंस इज नथिंग, साइंस इज एन ऑब्जर्वेशन। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो थ्योरी है, ठीक। यानी लोग, भाई हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, देखा किसने? किसी ने देखा है लिक्विड है कि सॉलिड है? नहीं गए ना वहां तक, तो ऑब्जर्वेशन है, जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑब्जर्वेशन है, क्या वे फॉरवर्ड होगा? आज से 15 साल पहले किसी को बोलिए कि वीडियो कॉल होगी तो पता है उस समय वो क्या कहता? या तो आपका दिमाग चल गया है या ये जादू से होगा, दो ही चीज़ें हैं। ऐसा होता है समाजों में। आज किसी से बोलिए कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ऑन द वे आपको रोबोट्स मिलेंगे, एआई आपकी मदद करना शुरू करेगा, आप घरों में रहेंगे, टेम्परेचर कितना भी हो जाए, डोंट टेक टेंशन, वेजिटेबल लाने हैं, रोबोट्स हैं, ठीक। तो अभी आप बोलेंगे कि आपका दिमाग चल गया है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, ठीक। सर और मैम दोनों लोग यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं और रिपोर्ट्स पे नज़र रखते हैं। देखिए आईआईटी से पढ़े हुए जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी जॉब्स में कमी आई है, पैकेजेस में कमी आई है बिकॉज ऑफ एआई। अब ये चीज़ एकदम फॉरवर्ड नहीं है, रुकिए अभी 1-1.5 साल, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चैलेंजेस में पूछा जा रहा है कि हम क्या करें, ये जो जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप में कैलिबर है, ये बात सर की ध्यान रखिएगा, सारे एस्पिरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। इफ़ यू हैव कैलिबर तो आप उस रास्ते तक जा सकते हैं। और सर के ऑल इंडिया हाईएस्ट हैं GS 1 में बिना वे फॉरवर्ड लिखे, ठीक है। अच्छा, मैं सार्कास्टिक वे में इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हर मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखी है ये चीज़, ठीक। अच्छा, मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि आई एम जस्ट ए टीचर, ठीक है। तो भाई सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है। अब मैं एक, बहुत ये हो सकता है विवादित चीज लगे लोगों को, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है ना। भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। अब वे फॉरवर्ड लिखवाना शुरू किया एक व्यक्ति, सारे वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, और सारे कहाँ जाएंगे? आपको पता है जब भीड़ चलती है तो भीड़ चाल में प्रॉब्लम ये होती है, सब एक पाथ फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर जो यूनिकनेस होती है जो सर में आई, तो रैंक भी देख लीजिए आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक डिक्लेरेशन है कि डिस्क्लेमर है कि मैं, फिर मुझे फोमो भी होता था कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, तो अभ्यास का, विजन का अभ्यास देता था, तो उन्होंने नंबर दिए होते थे और फिर काटे होते थे कि आपने वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है, आपने डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है। तो मुझे हंसी भी आता था यार, क्या फॉर एग्जाम्पल SEO पूछा, ठीक, कि SEO का रिलेवेंस बढ़ रहा है या फिर चाइना के आने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि अभ्यास में, नॉट इन रियल एग्जाम, बगल में लोग उसमें SEO के कंट्रीज को मैप में बना रहे हैं, वर्ल्ड मैप में। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? द थिंग इज यूपीएससी आस्किंग कि SEO में कौन कौन कंट्रीज है जो आप डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करके बता रहे हो। तो क्या नीड है? SEO में पूछ रहा है, आपका एनालिसिस पूछ रहा है, आपका इनर ब्रेन की कैपेसिटी वो देखना चाहता है कि हाउ डू यू विजुअलाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स चेंजिंग वेरी रैपिडली, लाइक इंडिया जैसे कंट्री को प्लेस मिलना, बाद में अदर कंट्रीज ऐड होना, दिस अ वेरी डायनेमिक इंटरप्रिटेशन दे आर आस्किंग, और आप उसमें क्या कर रहे हो उन क्वेश्चन में। GS3 में डायग्राम्स बना रहे हो, GS2 के IR में डायग्राम्स बना रहे हो। हाँ, GS1 में क्वाइट रिलेवेंट है डायग्राम, ज्योग्राफी इज ऑब्वियसली अ सब्जेक्ट व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू डायग्राम्स, वहाँ अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाइए, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स बनाइए, बट आई डोंट थिंक कि GS3 में डायग्राम्स की नीड है। ठीक, ट्रोफोस्फीयर पूछा तो उसको फिर आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दो, वहाँ पर भी अलाउड है, बट अगर इथिक्स में आप डायग्राम बनाने लग रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में डायग्राम बना के कंट्रीज दिखा रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ रिलेवेंट, वो आपका मार्क्स भी डिडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वही है कि एक रास्ता नहीं है कि इन्होंने जैसे बता दिया आप वैसे चलो। ठीक, अब हर मार्क्स में जहाँ वे फॉरवर्ड, यूपीएससी साफ साफ लिखता है कि एक क्वेश्चन था हमारा GS3 में कि एम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन का मेथड बता दीजिए और क्या क्या गलतियां बता दीजिए और सजेस्ट कीजिए कि कैसे इम्प्रूव करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, जहां पर आपको बहुत वे फॉरवर्ड लिखने का मन है तो आप आराम से एक पन्ने वे फॉरवर्ड लिखिए, क्योंकि दे आर आस्किंग फ्रॉम यू, दे आर आस्किंग फॉर सजेशन वे फॉरवर्ड। बट जहां पर नहीं पूछ रहे हैं तो फिर जबरदस्ती का उनको बताना कि देखो ये है वे फॉरवर्ड, बस तुम देखो, तो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड इन एग्जामिनेशन। वास्तविकता यही है। मैं मुख्यतः हिंदी माध्यम से हूँ, तो हिंदी माध्यम के बच्चों को एक बार बता दूँ, ठीक, क्योंकि मुझे देखिए दोनों सर और मैं आपके इंग्लिश मीडियम से ही होंगे, ठीक है, पहले ही अंदाज़ा लगाया मैंने, ठीक है, मेरा हाँ मुझे अभी सब इंट्रोडक्शन हुआ, मैं अंदाज़ा देखो अंदाज़ा, ठीक है, उसका कारण भी बता देता हूँ। हिंदी माध्यम की संख्या कम होती जा रही है ऐसा बोला जाता है, उसका कारण यही है कि अभी सर ने बताया वो नोटिंग जो आपको मिल रही है, लेखन अभ्यास करते रहें, यहाँ पर आपने बिंदु छोड़ दिया है, बिंदु कोई और डिसाइड नहीं करेगा, बिंदु आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही गलत है और यूपीएससी के लिए क्या सही गलत है। ठीक, यानी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप अपने मेंटोर से अपनी गलतियों को समझिए, लेकिन जब तक आप खुद एड ऑन नहीं करेंगे चीज़ों में तब तक परिवर्तन नहीं होना है। ठीक, और सर और मैम इंग्लिश मीडियम से हैं, टेक्नोक्रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं उस फील्ड में, इसलिए बहुत तेज़ी से रिजल्ट बढ़ रहा है, और ये बात हमको माननी चाहिए कि हिंदी माध्यम में जो मैंने अभी अपने बच्चों के साथ फेस किया है और लगातार फेस करूं, परिवर्तन नहीं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संघ लोक सेवा आयोग 2014 के बाद परिवर्तित हो गया, लेकिन हिंदी माध्यम परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं है। वही एक पैटर्न तैयारी का, और फिर सिलेक्ट नहीं होंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलती की जा रही है, CSET को टफ बनाया जा रहा है, टफ बनाया जाए तो मैथ पढ़िए। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। सर से एक बहुत आपको सीखने की जरूरत है कि खुद से भी चीजें क्लियरिटी के साथ की जा सकती हैं, और आपको बुक्स तो पढ़नी पड़े, बिना बुक्स के भला नहीं है, सिर्फ नोट्स से यानी इंफॉर्मेशन गैदर तो करनी है, फिर नोट्स बनाइए और तब जाइए आप बेहतर करें। इस सेंस में सर मुझे लगता है कि दे आर ऑब्वियसली दिस एग्जाम वेयर दे वांट ऑफिसर विद अ सर्टेन ट्रेट, सर्टेन क्वालिटी, क्योंकि इसीलिए दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। हर कोई को 2-3 साल लगते हैं उस फ्रेम में आने में, दिस इज ट्रुथ। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे पढ़ रहा होता है, कोई ना कोई उसको गाइड करने वाला होता है डेफिनेटली। ठीक, तो अगर वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी चाहते हैं जिसमें आप में पेशेंस हो, इंटरव्यू में तो और रिफ्लेक्ट होता है। द सेम मिस्टेक आई वाज डूइंग इन इंटरव्यू, मेंस का तो ये गलती नहीं करता था, जो पूछते थे एग्जैक्ट बताता था, बट इंटरव्यू में जो पूछते थे वो नहीं बताता था, मेरे को जो आ रहा होता था वो बताता था। ठीक, तो इसलिए वो गुस्सा भी होते थे, यार तुमसे अगर तुम ऑफिसर बनोगे एंड अगर CM PM आस्क यू कि व्हाट कुड बी सजेशन, तो तुम एग्जैक्ट, उनके पास 2 मिनट होगा, उनके पास 5 मिनट होगा, दोज डिग्नेटरीज, तो आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताओगे उनको ना, कि आप राम कथा सुनाओगे कि सर ये सब हो रहा है। ठीक, तो दे वांट दिस बिकॉज ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, थिंकेबल, फास्ट, रिलायबल ब्यूरोक्रेसी, तो दोज ट्रेट्स दे वांट इन स्टूडेंट्स। तो आंसर्स में दिखने चाहिए, इंटरव्यू के आंसर्स में दिखने चाहिए आपका थॉट प्रोसेस, आपका कंसंट्रेशन, और पेशेंस इज मोस्ट रिक्वायर्ड। यूजुअली दिक्कत क्या होता है कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़े, उसके बाद ही अब हमें आंसर लिखने हैं। अरे कहाँ लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है कि प्रीएम्बल को एक्सप्लेन कर दो, आया है 2016 में, 18 के बाद चीजें बदल गई हैं बहुत। ठीक, अब प्रीएम्बल को भी रिलेट करेंगे तो 368 के अमेंडमेंट से रिलेट करेंगे, फिर उसको डिफरेंट कमेटी के रिकमेंडेशन से, उसको 42nd अमेंडमेंट से रिलेट करेंगे, और एक हॉलिस्टिक पिक्चर आपसे डिमांड करें तो पहले पढ़ तो लो पूरा एक सब्जेक्ट, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। 2 महीने में, 2.5 महीने में टाइम देकर एक सब्जेक्ट को खत्म कीजिए, एंड देन आफ्टर यू कैन शिफ्ट टू आंसर राइटिंग अगर आपको बहुत जल्दी है। मैं तो वो भी नहीं मानता, मेरा जो फ्रेमवर्क है, मैं अगर कोई पूछता है सजेशन रिगार्डिंग दिस, तो मैं बताता हूँ कि अगर आप जून में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और वो भी आपके पास बेसिक्स तैयार है तब, नहीं तो 1 साल तो आप अच्छे से बेसिक्स तैयार करो, प्री के लिए वो बहुत रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो कि चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है मुझे, तो जून से लेकर आप अपने दिसंबर तक कोई आंसर राइटिंग मत करो। कंटेंट को अगर पॉसिबल हो 10 टाइम्स तो रिवाइज 10 टाइम्स, हार्ड कंटेंट्स को आप रिवाइज करो। ज्योग्राफी बहुत टेक्निकल है, इन्वायरमेंट बहुत टेक्निकल है, मेंस वाइज भी, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स। तो उस टेक्निकलिटी को समझो कि क्या उसके पीछे रीजन है, रटो मत। ठीक, जब आप समझ लेते हो दिसंबर तक, तब आप जनवरी फरवरी 2 महीने आप PYQ को प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग में। 2 महीने में हो सकता है आप डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक, 2 महीने में अगर आप करते हो तो 60 डेज है, 5 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपने किया, ऑलमोस्ट 15 पेपर्स आपने कर ली। उसके बाद फिर रुक जाइए आप, मार्च अप्रैल मई जो भी ये मंथ है, इनमें आप प्रीलिम्स अच्छे से पढ़िए सब कुछ छोड़कर, और उसके जस्ट बाद 3-4 दिन का गैप लीजिए प्रीलिम्स के बाद, एंड डेली राइट 5 आंसर, और संडे को एक पूरा ही टेस्ट लिख दो, 5 आंसर्स ऑफ GS एंड 5 आंसर्स ऑफ ऑप्शनल। और संडे को बैठो सुबह 9 से 12 एक GS का टेस्ट लिख दो, एंड 2 to 5 एक आप ऑप्शनल का टेस्ट लिख दो। ये और 3 महीने ये कंटिन्यूअस रखो टिल योर मेन्स। आप देखो कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होता है योर आंसर राइटिंग में, रादर देन कि हाँ पहले ही दिन पॉलिटी उठाए, 1 चैप्टर पढ़े और अब मुझे आंसर लिखना है। तो डोंट बी इन सो हरी, हैव पेशेंस। दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स पेशेंस, द होल करियर रिक्वायर्स पेशेंस। तो पहले वो ट्रेट डेवलप कर लीजिए, आंसर्स तो हो जाते हैं, पढ़ते हो तो सब कोई कर लेता है। दिस इज नॉट सम IIT या फिजिक्स का बहुत टफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है जो समझ में ना आए। दे आर आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरा नाम शिवानी चौधरी है, मैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ और मुखर्जी नगर में रह के मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से है। मैम, एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि वो आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट का, टेबल का या डायग्राम्स का यूज़ करें या ना करें। सी, अभी इसका तो काफ़ी आंसर प्रेम सर ने दिया, बट मेरी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रही है, एंड मे बी बिकॉज मेरा टाइम पीरियड, मेरा इस जर्नी में लाइक इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ में, तो मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ जाकर देखूं। तो आई वॉज गोइंग विद द थिंग्स आई हैव डन कोचिंग, तो आई वॉज गोइंग विद द थिंग्स ऐसे जैसा मेरा मेंटोर मुझे गाइड कर रहे थे। तो मेरी अप्रोच रहती थी मोर ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, क्योंकि आई वॉज नोइंग कि अगर मैं एक बैलेंस्ड कॉन्टेंट भी लिखूंगी, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करूंगी तो आई विल गेन मार्क्स। तो उसमें मैं फ्लो चार्ट्स और ये स्कीमेटिक्स, फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स ज्योग्राफी में, कल्चर में कुछ पॉइंट करने के लिए मैं यूज़ करती थी। तो और मुझे इसमें फीडबैक पॉजिटिव ही आता था, मे बी बिकॉज जैसे सेट पैराडाइम है एक मार्केट में कि उससे होता है, तो मतलब मैंने उस पर वर्क किया है। बट मे बी इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट या व्हेनेवर आई विल गेट चांस टू राइट मेन्स अगेन, तो मैं प्रेम सर की एडवाइस ज़रूर फॉलो करूंगी कि एक ऐसे ओपन माइंडसेट से भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे और भी एस्पिरेंट्स को जैसे लाइक एवरीबॉडी रीड्स, मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे भी ये आउटपुट्स मिले हैं कि यूपीएससी में जो आपकी आंसर कॉपी चेक कर रहा है प्रोफेसर या जो भी आपकी आंसर कॉपी रीड कर रहा है, उसको वो ये नहीं देखेगा कि इंट्रो लिखा है बंदे ने तो मार्क्स दे देते हैं, कंक्लूजन। लेकिन जो कोचिंग में जो इवैल्यूएटर चेक कर रहा है नोटबुक, वो आपको इस पैराडाइम्स में चेक कर रहा है। तो जो आपको कोचिंग के मार्क्स मिल रहे हैं और जो उसमें आपको फीडबैक मिल रहा है, उसमें दे विल आस्क यू कि इसमें स्कीमेटिक्स यूज हो सकता था, इसमें आप कंक्लूजन दे सकते थे या फिर कुछ SDG गोल्स लिख सकते थे। बट यूपीएससी इज आस्किंग, उसका सिंपल है, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने उसकी क्वेश्चन की डिमांड किस तरीके से फुलफिल करी है और वो कितने लाइक इन हाउ मच, कितना आप उसको फुलफिल करने में केपेबल रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो ये फिर बहुत सब्जेक्टिव है किसमें एज एन इंडिविजुअल हम कंफर्टेबल हैं। तो क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद माई आंसर, तो आई विल परफॉर्म बेटर। तो आई थिंक विद दिस वुड वर्क फॉर पर्सन। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। देखिए, मैंने अभी बताया कि मैं हिंदी माध्यम में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। जब कोई बच्चा नया नया आता है, इस बात को समझिए, मान लीजिए आप तैयारी करने आ रहे हैं, तो आप शुरू करेंगे सिलेबस, कोर्स, पैटर्न, किताबें सर ने बता दिया शुरुआत में, तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब लिखना स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, ये पॉइंट होता है कि किसी की चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को जो सजेस्ट करता हूँ, लगभग 6.5 साल का समय हर बच्चे को, क्योंकि मेरे पास कभी कभी 12th के बाद ही बच्चे आ जाते हैं तैयारी करने। आजकल थोड़ा ट्रेंड थोड़ा ना यूपीएससी का समझ रहे हैं, दूसरा है ना। अब 12th के बाद जो बच्चा तैयारी करने आया, जो अभी ग्रेजुएशन करेगा, उसका एक थॉट प्रोसेस आप समझ रहे हैं ना बातों को, कि समाज को लेके या चीज़ों को लेके बहुत ओपन नहीं है वो, कुछ चीज़ों पर रिजिड होंगे। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से कहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप अपने बारे में 150 शब्द लिखिए। अगर आप खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और कॉपी पर लिख पा रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करके, तो ही आप सामाजिक समस्या को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। दैट इज टू थिंग। तो शुरुआती स्तर पर जरा अपने बारे में भी तो लिख के देखें कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी, शुरुआती स्तर पर अपनी बात करूँ, लिखना क्या हाथ कांपने लगेगा आपका, ठीक है। इसीलिए हर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या 5 स्ट्रेंथ या 5 वीकनेस बताइए। अब व्यक्ति को अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता, तो आपने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया, तो हाउ दैट इज पॉसिबल कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को, जैसे सर ने कहा बहुत कम टाइम होता है, बेटर तरीके से एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझ के और रन कर पाओगे। दैट इज द होल पैटर्न। तो ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। सर और मैम तो ग्रेजुएशन के बाद लंबी तैयारी के बाद बता दिया, मैम पहले बार में हैं लेकिन ग्रेजुएशन के साथ हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कर रही थी, 12th के बाद नहीं आई, ठीक। अब आजकल मैं इस चीज़ से पर्सनली थोड़ा चिंतित रहता हूँ। बच्चा बहुत छोटा है, पहले उसको नीट और जेई में भेजा, वो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक, और उसके बाद माँ बाप ने सीधे नीट और जेई से हमारे पास भेज दिया, इसको ना IAS बना दीजिए, ठीक। अब उस बच्चे की जो व्यथा है, ठीक, वो देखी नहीं जाती, कभी कभी एक शिक्षक के रूप में देखी नहीं जाती। होता क्या है, बच्चे और सर और मैम भी इस बात से एग्री करेंगे, जब आप बहुत छोटे होते हैं उस समय आपको मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपका वो छीन लिया जाए तो फिर आप गिर सकते हैं, और ऐसे बच्चों में क्रिमिनल एक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या डिप्रेस होंगे, ठीक। और शिक्षकों में मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, आज मानसिक जो समर्थन परिवार का, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो माँ बाप कहीं हैं, बच्चा कहीं है, बच्चे पर बहुत दबाव होता है। उस दबाव में ना आए तो शिक्षकों का ये फर्ज बनता है कि उस दबाव को कम करें। मैं करता भी हूँ ट्राई, क्योंकि बच्चे विभिन्न रूपों से परेशान रहते हैं। मैं प्रश्न करने भी वाला था प्रेम सर से। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आंसर राइटिंग इज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। ये आयरनी है कि आंसर राइटिंग के कोर्सेस होते हैं, ठीक। आई थिंक इट शुड नॉट हैपन, बिकॉज सिविल सर्विसेज में अगर आप पैटर्न देखो एग्जामिनेशन का, 9 पेपर्स लिखवाते हैं, 6 घंटे लिखवाते हैं, किस स्पीड से लिखवाते हो तो आपको पता ही है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज इट विल ओनली किल टाइम। तो अगर कोई एस्पिरेंट सीरियसली करना चाहता है सिविल सर्विस, तो उसको पता है कि D डे पे क्या करना है उसको, और एक कर्टेन बन जाता है उसके बाद एस्पिरेंट के सामने, पता है कि करना क्या है। बट स्टिल व्हाट ही विल बी डूइंग, ही विल नॉट मेकिंग हिज ऑन नोट्स फ्रॉम बुक, he will go to Rajendra Nagar and whatever places are there in Delhi, और जो क्रिस्प नोट्स मिल जाए बस उसको पढ़ लूँ हो जाए। बट इज इट पॉसिबल कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस नहीं किया तो वहाँ परफॉर्म कर पाओ, वहाँ पर आप सोच पाओ डायग्राम बनाने के लिए और फ्लो चार्ट। मैंने बनाया क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, आई टोल्ड यू कास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ठीक। बहुत सारे ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया, कहीं पर पॉइंटर्स भी लिखे, कहीं पर पैराग्राफ भी लिखे। नो यूनिफॉर्म पैटर्न, जो ऑर्गेनिक है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई एम सेटिस्फाइड, दिस इज वाओ प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, देन आई एम ओके। इफ आई एम सेटिस्फाइड तो सामने वाला कुछ तो नंबर देगा, ओके। अगर मैंने इतना पढ़ाई किया है तो हाँ, पढ़ाई नहीं है तो फिर अपने में सेटिस्फाइड रहो तो इट डोंट मैटर टू मच फॉर एग्जामिनर, ठीक है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब क्लासेस करते हो, डोंट बी लेजी, आप जब पढ़ रहे होते हो डोंट बी लेजी, वही आपका मेन हार्डवर्क होता है। एग्जाम इज नेवर योर हार्डवर्क, एग्जाम के पहले 3 महीने मेंस का पीरियड इज नेवर योर, दैट्स अ काइंड ऑफ हनीमून पीरियड विथ यूपीएससी। आप एकदम से PYQ देखते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, डिस्कशंस करो, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा जो रिलेवेंट है, बहुत ओवरलोड नहीं कि अब तो डेटा के फैक्ट बुक्स आते हैं, पता ही नहीं क्या होता है वो फैक्ट बुक्स में, मैंने आज तक नहीं देखा, कवर देखा कि फैक्ट बुक्स, यार इन द पेपर दे आर आस्किंग यू टू एनालाइज, गिव अ व्यू, तो ये फैक्ट बुक्स कैसे रिलेवेंट है। हाँ, आपको सपोर्ट चाहिए डेटा का, बट यू हैव टू गिव योर इनर इंटरप्रिटेशन। आप में एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा हॉलिस्टिक नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने सब्जेक्ट्स का। क्यों ना टीचर का ही नोट्स हो, कोचिंग का ही नोट्स हो, बियॉन्ड दैट आपका अपना आपने क्या 400 पन्ने 300 पन्ने एक सब्जेक्ट के लिए दिया, तब तो 20 पन्ने 40 पन्ने में जस्टिफाइड होगा सब्जेक्ट में, एग्जामिनेशन में। और जब आप वो काम कर रहे होते हो, देन बी क्रिएटिव इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव इन एग्जामिनेशन। सपोज कि कास्ट के 6 एट्रीब्यूट्स पढ़े और ये पढ़ रहे हो, वो पैराग्राफ में है, तो आप खुद ही जब अपना नोट्स बना रहे हो तो उसको मीन्स फ्लो चार्ट में बना लीजिए, या खुद ही जब आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पर पढ़ रहे हो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, पूछते रहते हैं डेन्यूब निस्टर, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से पूछते रहते हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हो बुक से ये चैप्टर्स, तो आप खुद के नोट्स बनाओ, उसमें क्रिएटिविटी दिखाओ, एक हैबिट डेवलप होगा ऑर्गेनिकली और ऑटोमेटिकली आपका आंसर वैसा ही लिखा जाएगा। आप बहुत एस्टॉन्ड भी नहीं होगे कि ये मैं क्या करके आऊँ, बट बहुत अलग करके आ गए हो आप, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ 2 ईयर 3 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, और हम क्या करते हैं, बस जस्ट 3 महीने का एक टेस्ट सीरीज में हर कुछ कर लेना चाहते हैं। दैट्स नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग, आई एम टेलिंग यू। हाँ, आप ऐसे करके 10 में से अपने आप को एफर्ट लगा के 4 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन छूट जाएगा टाइम की स्कैसिटी के कारण, जब अनटिल अनलेस इट इज ऑर्गेनिक टू यू। तो ये पूरा एक 2 साल का स्पेक्ट्रम मेहनत का होता है। ऐसा नहीं कि इसमें 6 महीने सिर्फ आप मेहनत करो और 1.5 साल बस जैसे चल रहा है चलने दो, क्लासेस करो और आओ जाओ। डोंट डू दैट। उसमें अपना एफर्ट लगाइए। लास्ट के 6 महीने में काफ़ी रिलैक्स कीजिए। लास्ट के 6 महीने में जब मैं प्रैक्टिस करता था PYQ का, तो कभी कभी होता था कि चलो इस पेपर को 1 घंटे में ख़त्म करते हैं, नॉट इन थ्री आवर्स। सपोज 2018 का GS2 है, 1 घंटे में ख़त्म करते हैं, नॉट इन 3 आवर्स। तो क्या अब 1 घंटे में पॉसिबल है मैं पूरा 2-2, 3-3 पेजेस के आंसर लिखूं? नहीं, तो मैं 1 पेज में 3 पार्ट बनाया, मींस 1 पेज में 3 आंसर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ कोर कंटेंट। अगर उन्होंने पूछ दिया कि चलो बताओ कि आर्टिकल 21 का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या है, ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ठीक, तो बस उसमें लिख दिया कौन केस है, क्या मीनिंग है, बस 2-2, 4-4 लाइन, आंसर खत्म। अब उसी को एक्सपैंड करना है इंट्रो कंक्लूजन बॉडी में। मैंने सिर्फ बॉडी के कोर कॉन्सेप्ट को लिखकर 1 घंटे में भी पेपर खत्म कर लिए। तो दिस इज हाउ दिस माइंड योर्स माइंड वर्क इफ यू हैव पुट एफर्ट इन द 1.5 इयर्स काफी अच्छे से। तो फिर आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, और एग्जामिनेशन में ऐसा किया जा सकता है कि आप 2 मिनट पहले भी आंसर पेपर कंप्लीट कर लो विद गुड आंसर्स। ओके, मेरा नाम अमित हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरा क्वेश्चन प्रेम सर से है। आंसर जो लिखते हैं उसकी प्रमुख 2 विशेषताएं होती है, एक होती है प्रामाणिकता और एक होती है प्रवाह। इसको हम आंसर में कैसे लिखें, इसके बारे में। ओके, आप बात कर रहे हो कि कितना रिलेवेंट है, मींस कितना ट्रूथफुल कंटेंट है, वेरीफाइबल कंटेंट है, एंड फ्लो कैसा है उसका। ओके, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आप अपने आंसर को लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब हर पेपर वाइज जो वेरी करता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आप अपने आंसर को जस्टिफिकेशन कैसे करते हो? एग्जांपल से। अगर उन्होंने पूछ दिया कि आप बताइए कि क्यों ऐसा है कि जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड करेंट्स, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, तो आप फिर एग्जाम्पल दोगे ना कि कनाडा के बॉर्डर्स के अराउंड हेलीफैक्स एरिया है, ठीक, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन था, उसमें फिर मैंने बताया कि कॉड लिवर ऑयल प्रोडक्शन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर फिशरी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है, ठीक। कनाडा जो लेब्राडोर करंट मिलता है, तो आप एक एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई, नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, जितने आप रिकॉल कर सकते हो, यू थिंक सिग्निफिकेंट, आप जस्टिफाई करते हो। ये हुआ प्रामाणिकता। सेम थिंग आप, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सेकेंड थिंग, GS पेपर 2 के लिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक, कमेटी के ऑब्जर्वेशंस, ये सब रिलेवेंट है। अब ये नहीं है कि अब यही ज़्यादा पढ़ना है और मेन कंटेंट कम पढ़ना है इनको, बट अपने प्रिपरेशन को असिस्ट करना। और एक आई थिंक कि अच्छा टीचर वही होता है जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको पढ़ाता है, ना कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच में कि देखो ये एक बुकलेट है लक्ष्मीकांत का फोटोकॉपी, एक बुकलेट है फैक्ट का, एक बुकलेट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, और ये एक बुकलेट है कमेटी का। ठीक, आप कभी भी, हमारा कैपेसिटी अभी उस लेवल का नहीं होता, बिकॉज हमें बहुत सारा पेपर प्रिपेयर करना होता है कि हम उसको इंटीग्रेट करके होलिस्टिक पैटर्न में रखें। एक टीचर का ये मेन वर्क होता है कि वो आपको एक इंटीग्रेटेड भी वे में एक टॉपिक को समझाए कि अगर फंडामेंटल राइट है तो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक, और कितना रीजनेबल है, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट किया है, ठीक, उसके रिलेटेड कौन से फेमस केसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 14, 19 इनकी बात हो रही है, साबरीमाला केस से कैसे रिलेटेड है, आर्टिकल 25 और 26 में क्या रिलेशन है, ठीक, बहुत माइन्यूट टेक्निकल डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो आर्टिकल 25 और 26, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आप पलट के देखना, एक डिफरेंस है बस, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी दोनों में कॉमन है। 25 में एक लाइन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखना कि इफ इट इज वायलेटिंग एनी अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, मीन्स पार्ट 3 के सारे आर्टिकल उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जबकि आर्टिकल 26 में नहीं है। अब ये इतना टेक्निकल डिफरेंस है, हाउ एज ए स्टूडेंट वी कैन अंडरस्टैंड। इट्स अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि उस टेक्निकल डिफरेंस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करें, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आर्टिकल 25 और 26 में ये डिफरेंस है, एंड तब जाकर आपका एग्जैक्ट जो साबरीमाला केस है वो क्लियर होगा। अदरवाइज आपको साबरीमाला केस याद रहेगा, बट है क्या, अगर पूछ दे यूपीएससी की उसको एक्सप्लेन कर दो, आप नहीं कर पाओगे। तो टीचर से क्लैरिटी होनी चाहिए और वहां से प्रामाणिकता आती है। अगर टीचर नहीं है कैपेबल तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू डू, क्योंकि 1000 लोग कर लेंगे उसको, ड्यू टू टीचर्स, ड्यू टू खुद से, सीनियर से। तो आई थिंक ये बहुत, यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे पाना आई एम नॉट कैपेबल। सो माई केस टीचर ने ऐसा काम किया, उसके बाद फिर मेरे अंदर भी एक ऐसा टेंडेंसी आ गया कि मैं भी वो काम करने लगा, तो काफी बूस्ट मिला। ठीक, कमिंग टू फ्लो के लिए क्या होता है कि आपको, आपके पास एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि वो केस था कि कैसे आप बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज है। फिर एक केस उन्होंने बहुत अजीब सा पूछ दिया था 2022 में कि सेलुलोज का जो मेटाबॉलिज्म है अर्थ पे, उसको एक्सप्लेन कीजिए। लकीली आई वाज अ स्टूडेंट बायोलॉजी, तो मुझे पता था, टेक्निकल टर्म्स पता थे और एक प्रोसेस भी पता था। तो यू नो जो हमारे कंटेंट होते हैं, खास करके पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, लगभग सारे सब्जेक्ट के, उनमें एक ऑटोमेटिक फ्लो होता है। अगर आप कास्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कास्ट का एट्रीब्यूट पढ़ते हो सबसे पहले, उसके बाद आप कास्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ते हो कि किस पार्ट में कैसे प्रिवलेंट है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक पढ़ते हो कि कास्ट से क्या कोई बेनिफिट भी है क्या कि अब तक अगर कास्ट है तो कुछ तो सर्व कर रहा होगा सोसाइटी को। फिर आप पढ़ते हो जो सर्विस है वो कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि हार्म भी तो कर रहा है सोसाइटी को, क्या एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है या हम हार्म को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। फिर तब जाके जब आप ऐसे पढ़ाई करते हो, ठीक, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई बुक, गोइंग टू द बुक अप्रोच इज क्वाइट यूजफुल इस कॉन्टेक्स्ट में। बट उसमें बहुत पेन है, पेन यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन रहता है कि सबसे पहले, हाँ, एक और चीज मैं आई वांट टू पुट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कभी भी ये मत करो कि लक्ष्मीकांत या एक बुक उठा लो, एनसीईआरटी कभी मत उठाओ, बिकॉज इफ यू आप उठाते हो, पन्ना पढ़ के निकल जाते हो 3 पेज, फिर बैठ के देखना आप क्या समझे, एक लाइन भी आप नहीं समझे होते हो, कुछ रिटेंशन नहीं होता। तो हमेशा सजेशन रहेगा कि जब आप कोई सब्जेक्ट को शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो कोई वीडियो अप्रोच, कोई क्लास अप्रोच वो अडॉप्ट करो, कोई टीचर का वीडियो। टीचर क्या करता है, उस चीज को आपको बेसिक बता देता है कि इस तरह से कंटेंट है, ये है, तो एक फ्रेमवर्क बनता है टॉपिक का आपके अंदर। जब वो कर लिए तब आप बुक को रेफर करो, तो बुक आपको बहुत विजिबल होने लगता है, जो कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ हमारा ब्रेन उसको नहीं पढ़ पाता है। जब एक टीचर स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड कर देता है तो उसके बाद आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी आती है, वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और उसी से आंसर में फ्लो दिखता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यू कांट राइट कि हाँ हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो फ्लो ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बताएं, फिर उसका प्रो लिखे, फिर कॉन्स लिखे और फिर वे फॉरवर्ड लिखे। बट यूपीएससी पूछ रखा है कि क्या वो टॉपिक, यूपीएससी जो पूछना चाहता है वो आपसे डिस्कशन करना चाहता है और आप कुछ और लिख रहे हो फ्लो को मेंटेन करने में। ऐसा नहीं होता, जब आप प्रिपेयर करते हो उसी टाइम आपका सब्जेक्ट फ्लो आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है आंसर्स में। तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। बाकी अगर मैम और सर कुछ सजेस्ट कर सके विद रिस्पेक्ट टू दैट। परफेक्ट, सर ने बता दिया है। वन पॉइंट कि विद रिगार्ड टू ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट, कि इसी पर जैसे सर ने बात की एग्जाम्पल्स लिखने हैं या रिपोर्ट्स कोट करने हैं, यहीं पर हमें न्यूज़पेपर काम आता है। जैसे न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग उसको प्रॉपरली मुझे ऐसा लगता था न्यूज़पेपर का मोर यूज़ मेंस में है, क्योंकि जब आप उससे आप जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, केस स्टडी फॉर एथिक्स ले सकते हैं, आप रिपोर्ट जितनी भी प्रोमिनेंट ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, निमहंस की रिपोर्ट है, NFHS 5 सर्वे है या कोई भी ऐसे सर्वेज हैं, तो उसको आप एवर नोट में या वन नोट में अपना खुद का सेक्शन बना के सिलेबस वाइज सेगमेंट्स में वो आप रख सकते हैं, जो कि आप क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको अगर हम एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, उससे एग्जामिनर को पता चलता है अच्छा ये बात है तो ये प्रूफ है उसका, इट्स नॉट वी आर टॉकिंग एनीथिंग। तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और उससे फिर मार्क्स गेन होते हैं। और फ्लो का तो आई वुड ऑफकोर्स से ये नेचुरल बिल्डअप होता है कि व्हेन यू नो द थिंग्स वो आप लिखोगे एक सही डायरेक्शन में। और इसमें जैसा मैम ने बोला कि रिपोर्ट्स वगैरह, तो अगेन दो अप्रोच है, एक तो आप फैक्ट बुक लेकर पूरा रटो कि क्या रिपोर्ट है सब कुछ, और दूसरा है कि बी स्मार्ट, वैसे रिपोर्ट्स को समझो जो सिलेबस से रिलेवेंट है। जैसे अब ऑक्सफैम में 50 पॉइंट्स है कि मुंबई का क्या सिचुएशन है दिल्ली के रिस्पेक्ट में, कोलकाता का क्या है, कोलकाता का स्लम और मुंबई का स्लम कैसे डिफरेंट है। डू यू रियली नीड इट फॉर एग्जाम? द आंसर इज नो। एक डेटा है जो बहुत कुछ जस्टिफाई कर सकता है कि पे गैप इतना है, एक सी और इसमें ठीक। और अब बिलीव मी, अगर ये पेपर 1 में आया 3 में, आई नीड अपॉर्चुनिटी टू राइट दैट। तो ब्रेन इतना फ्लेक्सिबली आपका वर्क करना चाहिए कि आप एक केसेस को ही कई जगह लिख दो। एक आई थिंक 2-3 साल पहले एक सर थे, ऐसे लिखते थे, तो उन्होंने 2 ऐसे लिखा एंड दोनों ऐसे में एक ही बुक के कंटेंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया और रिलेवेंसी के साथ। तो यू डोंट हैव टू बी वेरी डेटा क्रंचर और एकदम से रटे जा रहे हो क्यों? क्योंकि आपको इनसे बहुत नहीं, बी स्मार्ट और प्रैक्टिस से ये भी चीज आएगा ठीक। आप कुछ चीजें रिटेन करोगे और आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि लगता है ये यहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको पुट करने का। या अब GS 1 में मैं ओल्गा तेलिस केस पुट कर रहा हूँ, आई फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी दिया, मेरा दिमाग सेंस कर गया कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो ये प्रैक्टिस से आया था। इफ यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस तो आप भी ऐसे स्किल्स गेन करना चालू करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो 2 कोचिंग्स और मान गई हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।